माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन केयर के ऐसे प्रोडक्ट जो स्पेशली हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी वो किसी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। तो आज मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट जो ऑयली स्किन को करेंगे डेफिनेटली सूट। सो प्लीज़ गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है फेस वॉश। तो यानी कि आप ये पॉन्ड्स प्योर वाइट एंटी पोल्यूशन प्लस प्योरिटी फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फेस वॉश आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाती है समर्स में भी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये पॉन्ड्स की एक्टिवेटेड चारकल फेस वॉश, और इसका प्राइस है 180 रुपीज़। और इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी दिया, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए फेस स्क्रब। तो ये पतंजलि सौंदर्य फेस स्क्रब मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करेगा और आपके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो ये ऑयली स्किन वालों को इसका यूज़ करना चाहिए, स्पेशली समर्स के लिए बेस्ट है ये पतंजलि का फेस स्क्रब विद मुल्तानी मिट्टी। तो आप वीक में इस स्क्रब का यूज़ 2 से 3 बार कर सकते हो, और इस स्क्रब का प्राइस है 75 रुपीज़। तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस पैक की। तो मेरे अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो आपके पास अच्छा इंस्टेंट ऑप्शन है फेस पैक को डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करने का, तो आप यूज़ कर सकते हो ये पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी विद मिनरल क्ले एंड एलोवेरा फेस पैक, जो आपके स्किन को ब्राइटर भी बनाता है और आपके स्किन की सारी ऑयलनेस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा ऑयली स्किन वालों को कि आपको डेली मुल्तानी मिट्टी रात को ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम बात करें टोनर की, तो अगर जिन लोगों को फेस पे काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये हिमालय हर्बल रिफ्रेशिंग एंड क्लेरिफाइंग टोनर। आप ये है एक अल्कोहल फ्री टोनर, तो आप इस टोनर का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके फेस का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है और आपकी स्किन को बनाता है ऑयल फ्री और फ्रेश। तो अच्छा ऑप्शन है इस टोनर को लेके, तो आप ये हिमालय का टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद स्वेट की प्रॉब्लम। तो आपके लिए बेस्ट वन एंड ओनली ऑप्शन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका टी जोन एरिया भी ऑयली है, तो आप इसमें ये कॉम्बिनेशन स्किन वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अगर आपकी पूरी स्किन ऑयली है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसमें न्यूट्रोजीना का ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइज़र डेफिनेटली ट्राई करें, यही बेस्ट है। क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद कोई आपको स्वेट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती और कोई भी आपके स्किन पे ऑयल नहीं आता। तो बेस्ट ऑप्शन है न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा सनस्क्रीन। तो वो भी मैं वन एंड ओनली यही सजेस्ट करती हूँ कि जिनकी स्किन ऑयली रहती है, उनको ये न्यूट्रोजीना का ही सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट है, और इसको अप्लाई करने के बाद अक्सर चिपचिपाहट की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि ये आपको मैट फिनिश देता है और ये है एक नॉन ग्रीसी लाइट वेट सनस्क्रीन। तो आप ये न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक, जिसका SPF है 50+, जो आपको फुली प्रोटेक्शन देगा हार्मफुल सन रे से, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है। तो आप डेफिनेटली इस सनस्क्रीन का ही यूज़ करें अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो अगर आप बेस्ट सनस्क्रीन चाहते हो कि हमें उस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद स्वेट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो आप इस सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ करना चाहते हो, कोई भी डे क्रीम यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है ये हिमालय नेचुरल ग्लो फेयरनेस क्रीम को लेके, क्योंकि ये है एक नॉन ग्रीसी फेस क्रीम जिसका आप यूज़ कर सकते हो जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए ये हिमालय की फेयरनेस क्रीम। आप इसको एज ए डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और ये आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है ये हिमालय की नेचुरल ग्लो फेयरनेस क्रीम। सो लास्ट प्रोडक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए लैक्टो कैलामाइन, जिसका यूज़ एज ए आप डे क्रीम भी कर सकते हो, एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो लैक्टो कैलामाइन को, और एज ए नाइट क्रीम भी कर सकते हो, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद कोई स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होती, और ये आपकी स्किन के pH बैलेंस को भी मेंटेन करता है और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करके रखता है। तो बेस्ट प्रोडक्ट है लैक्टो कैलामाइन ऑयली स्किन वालों को, इसका यूज़
जरूर करना चाहिए। ये थे ऑयली स्किन वालों के लिए स्किन केयर के प्रोडक्ट, और इन सभी प्रोडक्ट का प्राइस मैंने नीचे कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, तो आप वहां पे जाके इनका प्राइस चेक कर सकते हो। और ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।